नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तवर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कथित शराब घोटाले मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और जब से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से ही लगातार कई अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। और इस बीच सत्यपाल मलिक ने भी संजय सिंह की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला है। सत्यपाल मलिक ने एक्स पर पोस्ट किया और उस पोस्ट में सीधे तौर पर संजय सिंह की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं और मोदी सरकार को घेरा है। क्या कहा है सत्यपाल मलिक ने, बता देते हैं आपको। सत्यपाल मलिक लिखते हैं, संजय सिंह की गिरफ्तारी साफ दर्शाती है कि मोदी जी विपक्षी एकता से डरे हुए हैं। चुनाव तक ये कई और विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करेंगे। सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। विपक्ष का हर नेता योद्धा है, वो इन सरकारी एजेंसियों और तानाशाह की इन हरकतों से डरने वाला नहीं है। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने ये पोस्ट सोशल मीडिया पर किया और उसके साथ ही अरविंद केजरीवाल को इस पोस्ट में उन्होंने टैग किया है। सत्यपाल मलिक अक्सर मोदी सरकार की आलोचना करते हुए नजर आते हैं और एक बार फिर से संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए निशाना साधा है और ये भी कहा है कि चुनाव से पहले कई और नेताओं की गिरफ्तारी हो सकती है। विपक्षी एकता से मोदी सरकार डरी हुई है, इस तरह की बात भी सत्यपाल मलिक की ओर से की गई है। आपको बता दें कि शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी ने उनके घर से तकरीबन 10 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। संजय सिंह से पहले शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो चुकी है। उन्हें 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद ईडी ने मनीष सिसोदिया को इसी मामले में तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। शराब घोटाले मामले में ये दूसरी बड़ी गिरफ्तारी है। आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की बात करें तो अब तक आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हुए थे सत्येंद्र जैन, जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई और अब संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया था और उन्होंने भी ये कहा था कि संजय सिंह की जो गिरफ्तारी हुई है वो गैर कानूनी है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोच रखते हैं, क्या आप इस पूरे मामले को लेकर कहना चाहते हैं, कमेंट करके हमें बताएं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।